परभणी के शांति नगर में स्थित सुयोग इंग्लिश स्कूल में स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रमुख अतिथि के तौर पर आमंत्रित प्रसिद्ध नेत्र रोग तज्ञ डॉक्टर सुनील चिलकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का पूजन कर ध्वजारोहण किया। इस दौरान सुयोग इंग्लिश स्कूल के होनहार विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों पर ग्रुप डांस कर उपस्थितों को मंत्रमुग्ध किया, साथ ही लेजिम नृत्य की प्रस्तुति देकर तालियां भी बटोरी। इसके अलावा यहां नन्हे विद्यार्थियों ने महापुरुषों की वेशभूषा धारण कर न सिर्फ ध्यानाकर्षण किया बल्कि कार्यक्रम की रौनक भी बढ़ाई। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष के तौर पर प्राध्यापक डॉक्टर ज्ञानोबा मुंडे सहित राजर्षि शाहू महाराज महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विठल घुले, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष रोहित गर्जे, कोषाध्यक्ष मयूर भाले, कैबिनेट ऑफिसर संतोष नारवानी और सुयोग इंग्लिश स्कूल के प्राचार्य सिद्धार्थ गवई उपस्थित थे। स्कूल के विद्यार्थियों ने बड़े ही बेबाकी के साथ स्वतंत्रता दिवस का महत्व और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में बतौर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित नेत्र रोग तज्ञ डॉक्टर चिलकर ने आंखों की देखभाल और संक्रामक बीमारियों से आंखों को बचाने के विषय पर न सिर्फ महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया बल्कि यहां आयोजित नेत्र जांच शिविर में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की आंखों की जांच भी की। बहरहाल इस कार्यक्रम में अपने अध्यक्षीय भाषण में प्राध्यापक डॉक्टर ज्ञानोबा मुंडे ने स्वतंत्र वीरों का स्मरण कर उनके योगदान पर प्रकाश डाला। इस दौरान लॉयंस क्लब की ओर से विद्यार्थियों के लिए कॉम्पिटिशन लिया गया जिसमें सही जवाब देने वाले विद्यार्थियों को उपहार भेंट किए गए। इस कार्यक्रम का संचालन अमीन मुजावर सर ने किया, वहीं रत्नदीप वेड़े सर ने आभार व्यक्त कर कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इंग्लिश स्कूल के प्राचार्य सिद्धार्थ गवई, नारायण सूर्यवंशी, सुचिता थोरवटे, अंजलि झरकर, सत्यजीत मोकाशी, मनोज कुलकर्णी, सीमा ताकतोड़े, करुणा सोनवने, शुभम पाठक, हीराबाई बोरकर ने योगदान दिया। इन बीसीएन न्यूज के लिए परभणी से जुबैर खान।